नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में शहमात का खेल जारी है और फेर बदल भी जारी है। दल बदल का जो सिलसिला है वो काफी तेज है, इसके साथ अब कई बदलाव सामने आ रहे हैं। पहले गुरुवार को जहां जेडीयू के कद्दावर नेता को आरजेडी ने अपने में शामिल कर लिया, उसके बाद शनिवार को ऐसी खबरें आने लगी कि अब आरजेडी में भी बड़ी टूट होने वाली है। बड़ा झटका आरजेडी को लगने वाला है, जिसके बाद अब इसको लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है और लोग बातचीत कर रहे हैं। बिहार में सियासी उबाल आ गया है। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके विजेंद्र यादव 7 जुलाई को जेडीयू का दामन थाम लेंगे, लेकिन थामने से पहले ही उन्होंने बड़ा दाव खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहबाद में बड़ी टूट की बात सामने आएगी। हालांकि जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि तेजस्वी यादव पर आरजेडी नेताओं को भी भरोसा नहीं रह गया, उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है, इसलिए संभावित टूट को रोक पाना तेजस्वी के बस का नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के नेता निकलने के लिए बेताब हैं, चुनाव नजदीक है और इस कारण लोग शामिल होने को तैयार भी हैं और अब दल बदल कानून का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि आरजेडी ने संभावित टूट को नकारते हुए कहा है कि जेडीयू टूट के सपने देख रही है। पार्टी के नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जेडीयू डूबती हुई नाव है और इसमें कोई क्यों सवार होना चाहेगा। बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में लालू है और आरजेडी के सभी विधायक एकजुट हैं। वहीं इस मसले पर कांग्रेस की सुने तो कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर कहते हैं जेडीयू स्वागत को तैयार है, पर जाएगा कौन? बाहर से जाने वाले को जेडीयू में कोई सम्मान नहीं मिलता है। जेडीयू हार के डर से आरजेडी के टूटने की बात कह रही है। हकीकत है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने में लगी हुई है। हालांकि ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब ललन सिंह ने ऐसा कहा कि अब जल्द ही आरजेडी में एक बड़ा बदलाव सामने आएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि आरजेडी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी में रहना कोई नहीं चाहता। और साफ तौर पे ललन सिंह का कहना था कि जेडीयू की तरफ आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ तेजस्वी यादव की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ती नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव संभालते कैसे हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, विरोधियों का मुकाबला करना है, ऐसे में तेजस्वी की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।